नमस्कार दोस्तों, फाइनली सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A50 में एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.1 का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट कितने MB या कितने GB का मिलता है और ये आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट के होने के बाद आपके फ़ोन में कई दिक्कतें आ सकती हैं, जो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अपडेट से पहले और अपडेट के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मैं आपको दोनों साइड बाई साइड दिखाऊंगा, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपके लिए ये अपडेट करना ज़रूरी है या फिर आप एंड्रॉयड 10 के साथ ही रहना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, जब आप एंड्रॉयड 11 को अपडेट करोगे तो आपके फ़ोन में काफ़ी चेंजेस तो आएंगे ही, साथ में दोस्तों काफ़ी सारे बग्स भी आ सकते हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसे वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपके लिए, आपके फ़ोन के लिए ये जो अपडेट है ये अच्छा रहेगा या फिर नहीं, और क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, यह मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50, ये देखिए, ये मेरे पास A50 है जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है। और दोस्तों, इसमें अपडेट आ चुका है एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.1 का। ये देखिए, ये मेरे पास ये अपडेट आ चुका है वन UI 3 अपडेट एंड एंड्रॉयड 11 का। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या को नया देखने को मिलता है जी, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। और दोस्तों, साथ में आपको मैं बताऊँगा कि आपके फ़ोन के लिए ये जो अपडेट है ये ज़रूरी है या नहीं है, और सारे दोस्तों इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब अब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे अपडेट, इस अपडेट के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन जो आपके फ़ोन में आ जाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए, इसमें दिखाया गया है कि आपकी जो फ़ोन की जो डिज़ाइन वगैरह हैं वो सब चेंज हो जाएंगी। और दोस्तों, बैटरी है, बैटरी कस्टमाइजेशन हो जाएगी आपके फ़ोन में, यानी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे फोल्डर हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों इफेक्ट हैं जो आपके फ़ोन में ऐड हो जाएंगे इस अपडेट को करने के बाद। और दोस्तों, BigCV का जो ऑप्शन है, यानी काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, जब आप इस अपडेट को कर लेते हो तो आपके फ़ोन पूरा तरीके से चेंज हो जाएगा। और इसे साइज़ की बात की है दोस्तों, तो देखिए साइज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1871, यानी दोस्तों ये पूरा 1.5 GB से ऊपर का अपडेट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस अपडेट को करने के बाद। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ज़रूरी बात कि ये अपडेट आपके फ़ोन के लिए ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ पहले तो। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 को, कि आप जब इसे अपडेट कर लोगे तो आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी F41, जिसमें दोस्तों ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 का अपडेट मैंने इसमें कर लिया था, जो काफ़ी टाइम पहले आ चुका था इसमें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे। तो देखिए, इसमें आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ का जो इंटरफेस है दोस्तों ऊपर का, यहाँ पे हमें एकदम वाइड मिलता है, बट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों आपको जो बॉल पेपर लगा हुआ है वो ब्लर होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा आपको एक इफेक्ट नज़र आएगा अपडेट को करने के बाद, ठीक है। प्लस दोस्तों, आपका जो कॉन्टेक्ट है, ये देखिए, आपने जो कॉल वगैरह किए हैं उसकी दोस्तों डिटेल है, ये देखिए, वो पहले ही नीचे आती थी यहाँ पर, ये देखिए, बट दोस्तों अभी साइड में आती है स्टाइड में, यानी कि आपको ये किस नंबर से, किस सिम से कॉल की, यानी काफ़ी कुछ ऐसा सिस्टम है जो इस अपडेट के बाद आपको नया देखने को मिलेंगे। मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ कि सेटिंग में दोस्तों हमें क्या को नया देखने को मिलता है, मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ। तो देखिए, ये दोस्तों सेटिंग, तो सेटिंग जब आप इसे जब सेटिंग को देखोगे तो इसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे। अभी जो वाला है F41, इसके दोस्तों जो आईकॉन है वो काफ़ी छोटे हैं और इसमें दोस्तों काफ़ी बड़े हैं, और डिजाइन दोस्तों चेंज है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है अपडेट हो करने के बाद। बट दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो F41 है इसमें दोस्तों हमें 6 GB रैम मिलती है, इसके बेस वेरियंट होता है उसमें भी, बट दोस्तों जो A50 है इसमें मिलती है हमें 4 GB रैम। तो दोस्तों, मैं अब आपको ज़रूरी बात बताता हूँ कि आपको ये अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपका फ़ोन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही एंड्रॉयड 10 के साथ, तो आपको ये अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो है अपना F41, इसमें दोस्तों ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है, ये देखिए, इसमें दोस्तों ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 चल रहा है, ये देखिए एंड्रॉयड 11 और वन UI 3.0। दोस्तों, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न दोस्तों ये है
इसमें दोस्तों दी गई है 6 GB रैम F41 में, जिसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 चल रहा है। बट दोस्तों ये जो फ़ोन है A50, ये काफ़ी पुराना फ़ोन है। जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर दोस्तों एंड्रॉयड 9 चल रहा था दोस्तों, जब इसमें 4 GB दी गई थी। बट दोस्तों अभी आ चुका है एंड्रॉयड 11 दोस्तों। जब आप इसे अपने फ़ोन में अपडेट करोगे, एंड्रॉयड 11 को इसे इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में, तो आपके दोस्तों फ़ोन की जो रैम है वो इसे सपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि आपकी जो रैम है दोस्तों वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है 4 GB, और जो एंड्रॉयड 11 है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड्रॉयड वर्जन है, जिसमें दोस्तों आपका फ़ोन हैंग भी हो सकता है, लैगिंग भी कर सकता है छोटे मोटे कामों में भी। और प्लस दोस्तों आपकी बैटरी ड्रेन भी जल्दी हो सकती है जब आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे एंड्रॉयड 10, 11 में, और आपको हीटिंग इशू भी आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो भी इतनी पावरफुल नहीं है, सिर्फ 4 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन के अंदर, जबकि F41 जो फ़ोन है इसमें दोस्तों हमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है, प्लस 6 GB रैम भी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये वाला, इसके हिसाब से इसमें एंड्रॉयड 11 काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। बट ये जो फ़ोन है 50, इसमें दी गई है 4000 mAh की बैटरी, और प्लस दोस्तों इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी दोस्तों काफ़ी कम है F41 के सामने। तो दोस्तों अगर आपको बैटरी और रैम वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको नए फंक्शन चाहिए, आपको कोई भी मतलब नहीं है कि आपका फ़ोन लैगिंग करे या फिर ना करे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने फ़ोन को बिना टेंशन के इसे अपडेट कर सकते हो, जिसका शायद दोस्तों 2 GB का समथिंग है। बट दोस्तों अगर आपका फ़ोन पहले से ही अच्छा वर्क कर रहा है और आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन किसी दिक्कत में पड़े या फिर लैगिंग करे हीटिंग करे, तो आप इस अपडेट को सोच समझ के करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी बड़ा है, और एक बार दोस्तों आपने अगर अपडेट कर लिया तो फिर से ये एंड्रॉयड 10 में नहीं आएगा। इस अगर आप एंड्रॉयड 10 में करना भी चाहोगे तो उसके दोस्तों आपको काफ़ी सारे जो सिस्टम होते हैं दोस्तों वो चेंज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो अपडेट है आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये जो अपडेट है दोस्तों आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है और इसका साइज क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।